और इधर बुलंदशहर पुलिस का अजीबोगरीब कारनामा सामने आया है। रेप के मामले में पुलिस की बड़ी लापरवाही, एक मृतक और 90 साल के बुजुर्ग पर केस दर्ज किया है। पीड़ित परिवार ने एसएसपी से गुहार लगाई है। 90 साल के बुजुर्ग समेत 10 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। दरअसल ये मामला बुलंदशहर के आहार थाना क्षेत्र का है, जहां एक ही परिवार के 10 लोगों के खिलाफ रेप और मारपीट की धाराओं में रेप का केस दर्ज कराया, जिसमें एक मृतक और 90 साल के बुजुर्ग का भी नाम दर्ज कराया। तो बुलंदशहर में यह अजीबोगरीब मामला, एक मृतक और 90 साल के बुजुर्ग का नाम दर्ज करवाया गया है, जिसके खिलाफ रेप और मारपीट की धाराओं में रेप का मामला दर्ज करवाया है। एक ही परिवार के ये 10 लोग हैं जिनके खिलाफ ये मामला दर्ज करवाया गया है। थाना आहार क्षेत्र में एक घटना घटित होने की सूचना कंप्लेनेंट के द्वारा 9 जून को दी गई, जिसपे थाना आहार में मुकदमा दर्ज किया गया है कि उनकी पुत्री के साथ गलत काम हुआ है। इस संबंध में जो उनकी तहरीर दी गई थी, उसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और निष्पक्षता पूर्वक जो एविडेंस हैं उसके आधार पर जांच की जा रही है। जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार ही निष्पक्षता पूर्वक कार्यवाही आगे बढ़ाई जा रही है और आगे उसके निष्कर्ष पे पहुंचा जाएगा। यूपी सरकार के एक मंत्री का बयान पर अब विवाद गहरा हो गया है। प्रयागराज के तीर्थ स्थल श्रृंगवेरपुर में मस्जिद को लेकर विवाद बढ़ने लगा है। दरअसल मंत्री संजय निषाद ने निषाद राज के किले में मस्जिद निर्माण को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि भगवान राम और निषाद राज के गले मिलते हुए मूर्ति के अनावरण से पहले इस मस्जिद को यहां से हटा दिया जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर निषाद राज के किले से मस्जिद को नहीं हटाया गया तो उनके लोग खुद ही उसे हटाने का काम करेंगे। राज का किला अगर है, पुरातत्व विभाग ने खुदाई कर रखी है, तो उसमें कोई भी चीज़ नहीं बनना सकती। तो वहाँ एक मस्जिद छोटी सी थी बगल में कहीं, और उसे आज मस्जिद वहाँ अपना विस्तार रूप लेता है। हम अभी अपने वकीलों को आज यहाँ बधाई दूंगा कि यहाँ वकील साहब लोगों की टीम ज्वाइन की है निषाद पार्टी को। मैंने उनसे कहा भाई संविधान आप पढ़ते हैं, हाईकोर्ट में आप हैं, तो उसके मामले को आप न्यायिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से न्यायालय में ले जाइए, उसे हटाने की कोशिश किया जाए। और आज इस राजनीतिक रूप से आज एक हमारे विशाल जी हैं, इनको यहाँ की जिम्मेदारी दी गई है और इनको प्रदेश कमेटी में ले जा रहा है। ढेर सारे और भी पदाधिकारी आज ज्वाइन कर रहे हैं और आप इस पार्टी को ब्लॉक से लेकर गांव तक स्तर मजबूत करके पूरे लोगों को मजबूत करने का। वही संजय निषाद के बयान पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने बड़ा हमला किया है और कहा कि मंत्री जी यूपी में सांप्रदायिक दंगा कराने की साजिश रच रहे हैं। निषाद जी को समझना चाहिए कि वो एक जिम्मेदारी की पोस्ट पर बैठे हुए हैं और जब उन्होंने शपथ ली थी तो उन्होंने वादा किया था, अहद लिया था कि सबके साथ इंसाफ करेंगे। तो ये इंसाफ की बात है, ये कहाँ का इंसाफ है कि मस्जिद को हटाने की बात कर रहे हैं, मस्जिद तोड़ने की बात कर रहे हैं। इससे मुसलमानों में सख्त नाराज़गी फैली हुई है और आक्रोश है, और इस तरह के बयान दे करके पूरे उत्तर प्रदेश के माहौल को ख़राब करना चाहते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश का माहौल बिल्कुल एकदम शांत है, यहाँ अमन और शांति है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।